अगर आपको एक पैन कार्ड अप्लाई करनी है, चाहे वो आपके लिए हो या फिर आपके घर में किसी के लिए, लेकिन आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप आपके काम से टाइम निकल के कहीं बाहर जाके पैन कार्ड को अप्लाई करें, तो मैं आपको बता दूं, आपको कहीं पर भी जाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आपके खुद के फोन से ही पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 मिनट का वक्त है तो आप बड़ी ही आसानी से आपके खुद के फोन से ही आपका या दूसरा किसी का भी पैन कार्ड आप बना सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो पर एक पैन कार्ड अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे पैन कार्ड को आप खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्स टॉक। गाइस, पैन कार्ड अप्लाई करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि ऑनलाइन में 2 तरीके से पैन कार्ड अप्लाई होती है। अगर आपका उम्र 18 साल से ज्यादा है और आपके पास एक आधार कार्ड है और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है, तो आप डिजिटली पैन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी फॉर्म प्रिंट आउट करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका उम्र 18 साल से कम है या फिर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आपको जो फॉर्म निकलता है वो फॉर्म आपको प्रिंट आउट करके फिर पैन कार्ड के डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपका पैन कार्ड आपके घर में डिलीवर होगा। तो आज मैं इस वीडियो पे मेरे पापा का एक पैन कार्ड अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मेरा पापा का जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर अपडेट है, तो डिजिटली हो जाएगा। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप अपडेट करा लीजिए या फिर आप ऐसे ही अप्लाई कर दीजिए। जो फॉर्म निकलेगा वो फॉर्म का प्रिंट आउट निकल के आप साइन करके पैन कार्ड के डिपार्टमेंट में भेज दीजिएगा, तो आपका पैन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे पैन कार्ड को अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आपका जो फोन है उसमें जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसे आप ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैंने गूगल ब्राउजर ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे पैन सर्विस पोर्टल बोल के आपको सर्च करना होगा, पैन सर्विस पोर्टल। तो सबसे पहले जो लिंक आपको दिखाई देगा उसी लिंक को आपको ओपन करना है। तो लिंक ओपन हो जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल करके जाना होगा नीचे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा पैन कार्ड फॉर इंडियन सिटीजन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, पहले अप्लाई, तो यहाँ पे आपको डिजिटली अप्लाई करना है। इसके लिए जो पहला वाला ऑप्शन है अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड, इसे आपको क्लिक करना होगा। तो ये जो पेज है इसको आपको ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहले जो ऑप्शन है ये है फिजिकल मोड। तो अगर आप फिजिकल मोड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो फॉर्म निकलेगा उसको प्रिंट आउट निकल के जो पैन का नियरेस्ट आपका ऑफिस है वहां पे आपको भेजना पड़ेगा। अगर आप डिजिटली मोड को सिलेक्ट करते हैं फिर यहाँ पे आपका सब कुछ डिजिटली हो जाएगा। आधार बेस ई साइन से आपका जो पैन कार्ड है वो अप्लाई हो जाएगा, मतलब आपको कुछ प्रिंट आउट निकलने का कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पापा का जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर लिंक है, तो मैं डिजिटल मोड पे ही करूंगा। अगर आपका लिंक नहीं है तो आप फिजिकल मोड पे भी कर सकते हैं। अप्लाई सब कुछ सेम है, बाद में जाके प्रिंट आउट निकलना होता है और डिजिटल मोड से कोई भी प्रिंट आउट निकलने का जरूरत होता नहीं है। तो हम डिजिटल मोड करके नीचे देखिए आधार बेस ई केवाईसी ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना होगा अगर आप डिजिटल मोड करते हैं तो। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक ई साइन मोड का ऑप्शन भी क्लिक हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पे आपको जो इंडिविजुअल ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद पैन कार्ड मोड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि पहले है बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड। उसके बाद ई पैन कार्ड ओनली, नो फिजिकल पैन कार्ड विल बी डिस्पैच, मतलब पहला वाला जो ऑप्शन है ये अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके एड्रेस पे पैन कार्ड भी आ जाएगा और आपको डिजिटल पैन कार्ड भी अभी अभी साथ साथ मिल जाएगा आपके स्क्रीन पे। और ये दूसरा वाला ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके घर में कुछ पैन कार्ड आएगा नहीं, लेकिन अभी अभी आपकी स्क्रीन पे पैन कार्ड दिख जाएगा। तो मैं दोनों पैन कार्ड ही चाहता हूं, इसलिए तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसे मैं क्लिक कर देता हूं। फिर यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर जाके यहाँ पे आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रख दिया है। तो उसके बाद देखिए ये जो पूरा फॉर्म है इसे आपको बारीकी से फिलअप करना होगा। तो जैसे कि पहले है टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल दे देता हूं मैं। टाइटल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पहले है लास्ट नेम, यानी कि जो भी सार नेम है वो आपको डालना पड़ेगा। तो आधार कार्ड देख के आप ठीक से डाल दीजिएगा, तो मैं डाल देता हूं। उसके बाद फास्ट नेम डालना पड़ेगा, पूरा जो ना स्पेलिंग है वो आधार से मैच होना चाहिए, तो आप ठीक से ये एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम डाल दिए मंडल, उसके बाद डाल दिए KRTICK, तो ऑटोमेटिकली नेम ऑन कार्ड जो कार्ड में नाम दिखाएगा वो यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे जाना होगा, हैव यू बीन नो बाई एनी अदर नेम, आप कई दूसरे नाम से जानते हो, तो यहाँ पे आपको देने का कोई जरूरत नहीं है, नो कर दीजिएगा आप। उसके बाद आपका जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, तो डेट ऑफ बर्थ आप सही से यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद थोड़ा आपको जाना होगा नीचे, तो यहाँ पे देखिए रेसिडेंट स्टेट बोला जा रहा है, तो स्टेट का ऑप्शन अभी यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो नीचे देखिए आधार नंबर बोल रहा है,
तो यहाँ पे आप आधार नंबर डाल दीजिएगा। तो आधार नंबर डाल देने के बाद देखिए यहाँ पे री एंटर आधार नंबर बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पे री एंटर कर दीजिए फिर से, फिर यहाँ पे ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एस पर आधार कार्ड नेम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो नेम डाल देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे आ चुका है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है व्हिच ऑफ दोज डॉक्यूमेंट आर यू सबमिटिंग एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, आप कौन सा डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ के हिसाब से आप डालेंगे। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो सब में मैं आधार कार्ड ही करूंगा। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे सब में आधार कार्ड किया हुआ है क्योंकि मैंने पहले आधार बेस किया था इसलिए। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर देना होगा। तो यहाँ पे आप आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। तो मैंने भी अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल दिया है। ईमेल आईडी भी अगर आप चाहे तो दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंडेटरी है, स्टार मार्क किया हुआ है, तो ईमेल आईडी भी आपको कोई ना कोई एक देना ही पड़ेगा। तो देखिए नीचे यहाँ पे बोला जा रहा है पेरेंट्स डिटेल्स डालने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैन कार्ड है उसमें आपका मम्मी का नाम रहे तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पापा का नाम रहे वो, तो यहाँ पे नो करना पड़ेगा। फिर जाके आपका जो पापा का नाम है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो पहले सर नेम डालना पड़ेगा, फिर जाके फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा, फिर जाके मिडिल नेम। तो तीनों डाल देने के बाद यहाँ पे मम्मी का नाम आपको डालना पड़ेगा, ये लेकिन ना ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन से नाम आप देना चाहते हैं। तो पैन कार्ड में तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फादर नेम लिखा हुआ है, मतलब आपका जो पैन कार्ड आएगा पहले आपका नाम होगा, उसके बाद आपके पापा का नाम होगा। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि बोला जा रहा है एक ना पॉपअप दिया है सिलेक्शन ऑफ कंट्री कोड, तो यहाँ पे मैंने कंट्री कोड सिलेक्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर देता हूँ। आप अगर कुछ गलत करेंगे तो आपके सामने दिख जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे रेसिडेंस स्टेट बोल के आ चुका है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है डिटेल्स विल बी कैप्चर बेस्ड ऑन आधार डिटेल्स, मतलब अभी आपको यहाँ पे कुछ भी डालने का जरूरत नहीं है। जब भी आधार का ऑथेंटिकेशन होगा तो ऑटोमेटिकली ये सारा जो एड्रेस है ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। तो आप जाइए नीचे, उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम, आपका इनकम का सोर्स क्या है वो आपको यहाँ पे ठीक से देना पड़ेगा। तो जैसे कि पहले है सैलरी, सेकेंड है कैपिटल गेन, उसके बाद है इनकम फॉर हाउस, इनकम फॉर अदर्स और नो इनकम, आर यू आर एंगेज इन बिजनेस, तो यहाँ पे आप अगर बिजनेस करते हैं तो ये वाला ऑप्शन देना होगा। इनकम आपका जहां से आता है उस हिसाब से आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा जो कि आपको आगे जाके बहुत काम पे आएगा। तो यहां पे आप बिल्कुल भी नो इनकम मत करिएगा, तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बिजनेस करने के बाद यहाँ पे आपका बिजनेस किस तरह का है उसका एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि आपका क्या चीज का बिजनेस है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से अगर आपका चॉइसेबल कोई है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो आप आदर्श के ऑप्शन पे भी टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आधार डिटेल्स मांग रहा है, अगर आपका जो पैन कार्ड है वो किसी दूसरे आदमी से द्वारा हो रहा है तो यहाँ पे उनका डिटेल्स देना होगा। अगर आप खुद ही कर रहे हो तो यहाँ पे हर सेल्फ हिमसेल्फ दे दीजिएगा, तो आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी से वो आपको यहाँ पे डाल के फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। फिर जाके यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप आधार के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपलोड करने का जरूरत नहीं है, बोला जा रहा है ऑटोमेटिकली इट विल बी कैप्चर। तो यहाँ पे आपको आगे का जो प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन पे क्लिक करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद देखिए एक नया पेज ओपन हो चुका है, तो इसका भी अगर आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं क्योंकि ये भी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट डिटेल्स आ चुका है, तो आपको एक पेमेंट करना होगा। तो यहाँ से आपका पूरा एक बार डिटेल्स आप बारीकी से चेक कर लीजिएगा, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका आधार का लास्ट 4 डिजिट नंबर, उसके बाद आपका मेल आईडी, आपका फोन नंबर, सब कुछ सही से है कि नहीं वो एक बार आप ठीक से चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे मेक पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो फिर ये जो पेमेंट गेटवे है ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। वो कितना पेमेंट होगा वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी मोबाइल नंबर दिए थे वो नंबर यहाँ से फिर से आपको एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे जो मेल आईडी दिए थे आप, वो मेल आईडी भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों डाल देने के बाद यहाँ पे बिल डेस्क के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कन्फर्म पेमेंट के ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक करना होगा। तो कन्फर्म पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना होगा। उसके बाद देखिए आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है मुझे पेमेंट करना होगा 106.90 रुपया, तो ये जो गवर्नमेंट का रेट है इसे आप कुछ भी यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकते, यही अमाउंट आपको पे करना होता है। लेकिन अगर यही पैन कार्ड आप किसी दूसरों से बनाते हैं तो वो आपसे 300-400 रुपया चार्ज ले लेता है।
तो आपको यहाँ पे देखिए पेमेंट करने का बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आधार डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई और क्यूआर कोड, जो भी आपको सही लगे उसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। तो डेबिट कार्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल्स डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड का नंबर डाल देता हूँ पहले। तो डेबिट कार्ड का नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे एक्सपायरी मंथ डालना पड़ेगा, उसके बाद एक्सपायरी जो साल है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिर जाके यहाँ पे डेबिट कार्ड के पीछे में जो सीवीवी नंबर होती है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम डालना पड़ेगा। तो आप जो भी पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहे उसे सिलेक्ट करके आप ये पेमेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल्स डाल दिया है, उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट के ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना होगा। तो मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से बिल्कुल भी बैक नहीं करना है। तो मेरे फोन पे ओटीपी मिल चुका है, तो ओटीपी यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा, तब जाके ये पेमेंट कंप्लीट होगा। तो ओटीपी डाल देने के बाद यहाँ पे नीचे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो पेमेंट है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल भी आपको बैक नहीं करना है, नहीं तो ये जो पेमेंट है ये फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिर से डालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ भी मांग रहा है, तो एप्लीकेशन नंबर और रेफरेंस नंबर दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, फिर जाके एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। तो एप्लीकेशन नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा था, तो आपको भी स्क्रीनशॉट करके रखना है, नहीं तो बाद में जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एप्लीकेशन नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार में है और जो डेट ऑफ बर्थ आप पैन कार्ड एप्लीकेशन करने के टाइम दिए थे। तो डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन नंबर दोनों डाल देने के बाद यहाँ पे नीचे कैप्चा दिया हुआ है, इसे आपको ठीक से एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो आधार नंबर दिए थे उस आधार में जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल पे एक ओटीपी गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ओटीपी डाल देने के बाद यहाँ पे नीचे जो आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, मतलब कि आप चाहते हैं आधार के थ्रू ई केवाईसी हो। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, गेट एओ डिटेल्स, तो यहाँ पे गेट एओ डिटेल्स पे क्लिक करना होगा, फिर जाके जो भी आपके सामने आएगा ऑटोमेटिक फेस हो जाएगा, फिर यहाँ पे ओके पर क्लिक करना होगा तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ आ चुका है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ चुका है व्यू डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आधार नंबर फिर से डालना पड़ेगा, ई साइनिंग सर्विस का ऑप्शन है ये, तो यहाँ पे हम पहले आधार नंबर डाल देते हैं फिर से। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, आधार TOTP उसके बाद है आधार OTP, तो आधार OTP पे आप क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद गेट OTP पर क्लिक कर दीजिएगा, तो फिर से आपके सामने एक OTP आपके फ़ोन में मिल जाएगा, तो OTP आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो फिर से OTP डाल देने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली दूसरा पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पे बोला जा रहा है पैन कार्ड सर्विस, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर भी है। तो यहाँ पे कुछ रेटिंग देने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे सब में आप पास रेटिंग दे दीजिएगा। यहाँ पे कुछ कॉमेंट देने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे थैंक यू लिख देता हूँ, उसके बाद सबमिट रेटिंग कर देता हूँ, उसके बाद देखिए थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक, ये वाला क्लोज कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ चुका है, तो मेरे ख्याल से मेरा जो पैन कार्ड है वो अभी बन चुका है। तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन है, क्लोज, डाउनलोड, साइन, पैन फॉर्म, उसके बाद है प्रिंट। तो यहाँ पे डाउनलोड, साइन, पैन फॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पे कुछ डाउनलोड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था आपको यहाँ पे कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, आपका जो पैन कार्ड है उसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे पूरी तरीके से बन चुका है, तो और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। ये जो फॉर्म है इसका भी प्रिंट आउट निकलने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे वेट करना होगा, 5 से 7 दिन के अंदर अंदर मेरे एड्रेस पे ये जो पैन कार्ड है ये भेजा जाएगा। तो आप भी अगर डिजिटली करते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कोई भी एड्रेस पे भेजना नहीं पड़ेगा, अगर आप डिजिटली नहीं करते तो ये जो फॉर्म निकला है इसे प्रिंट आउट करके पैन कार्ड के जो एड्रेस है जो ऑफिशियल एड्रेस है वहाँ पे आपको सेंड करना पड़ेगा, तो 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपके एड्रेस में भी पैन कार्ड भेजा जाएगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।